हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था जो भी बाहर के एक क्षेत्र में हो रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा था पहले कुशंस के बारे में, कनिष्क के बारे में, और लास्ट क्लास में फिर हम लोगों ने देखा था सातवाहन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो भी लोग निकल करके सामने आए थे। इसके बाद एक डायनेस्टी है जो कि पल्लव डायनेस्टी है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन अभी नहीं किया है क्योंकि साउथ इंडिया की डायनेस्टी है और हम लोग एक साथ ही सारे साउथ इंडिया को डिस्कस करेंगे, लाइक पल्लव के बारे में, फिर उसके बाद से चालुक्यास के बारे में साथ में डिस्कस करेंगे ताकि एक आपको इंटीग्रेटेड मैनर में समझ में आए चीजें, बिकॉज बोथ आर कंटेम्प्ररी, दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ में चले हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे दोनों डायनेस्टी को वन बाय वन करके। उससे पहले जरा देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बेसिकली कुशंस के टाइम के बाद से फिर सातवाहन डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी से पहले जो भी शुंगाज और जितने भी लोग थे वो सब बेसिकली आए हुए थे। सातवाहन का जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, इनफैक्ट बोल सकते हैं कि सातवाहन जब अपने पीक पे था उस समय से गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज करना शुरू हुई थी और उसके बाद से सातवाहन डायनेस्टी का फॉल होना शुरू कर गया था और गुप्ता डायनेस्टी राइज करते गई थी। तो इस तरीके से एक जगह पर जहां पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वहीं दूसरी जगह पर एक किसी नई डायनेस्टी का राइज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक यहाँ पर विचार कर सकते हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी होगी ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कंटेम्प्ररी विद वकाटका डायनेस्टी। तो वकाटका डायनेस्टी के साथ में जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उनके साथ में ये कंटेम्प्ररी होंगे, उनके साथ के ही होंगे। तो फटाफट देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, आइडिया आपको लग ही गया होगा बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसके बारे में जब आप देखेंगे तो और एक आइडिया लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, लेट अस स्टार्ट, let us complete and let us crack, but before that these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. अगर हम लोग पहले गुप्ता डायनेस्टी के ओरिजिन के बारे में बात किया जाए तो गुप्ता एम्पायर रोज टू प्रोमिनेंस इन 320 AD। देख सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ ए फॉल पीरियड ऑफ सातवाहन, सातवाहन के ये फॉल डाउन पीरियड था, पतन का काल था। इट हैज स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। द फाउंडर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी इज श्री गुप्ता, और अभी हम लोग बात करेंगे श्री गुप्त के बारे में कि ये बेसिकली कुशंस के टाइम पर फ्यूट्स हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। छोटी सी बात यहां पर सामंत के बारे में कि सामंत आखिर में होते कौन थे। देखिए जैसे होता क्या है कि जब भी कोई एम्पायर है, कोई एम्पायर है तो इस एम्पायर का अपना एक एम्परर होता है, इस एम्परर के साथ साथ छोटे छोटे कुछ इंडिपेंडेंट रूलर टाइप के होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रूलर नहीं होते हैं, बट ये इंडिपेंडेंट जो है कह सकते हैं कि लोग होते थे जो अपनी खुद की एक आर्मी, अपना खुद का एक रिवेन्यू, अपना खुद का एक ट्राइबल एरिया टेरिटरी बना करके रखते थे। ऑल्दो देवर अंडर द एम्परर, अंडर उनके छत्र छाया में ही थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते थे, इन्हीं को बोला जाता था सामंत। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो एम्पायर है, मतलब कि जो एम्परर है, जो राजा है, वो किसी से वॉर करने जा रहा है, तो इस वॉर के लिए ऑब्वियसली एम्परर अपना खुद का आर्मी बना करके रखा होगा। उस आर्मी के साथ साथ ये जो भी सामंत हुआ करते थे उनको भी बोलते थे कि भाई आप अपनी भी आर्मी जरा दे दीजिए, बिकॉज हम इस पूरी की पूरी टेरिटरी को सेव करना चाहते हैं। तो इस वजह से इस सेव करने में जो भी जरूरत होगी वो हमें प्रोवाइड करिए। तो इस तरीके से सामंत लोग भी जो है वो अपनी आर्मी दे दिया करते थे। तो ऑब्वियसली यहां से एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि अगर रूलर या एम्परर वीक होगा तो ऑब्वियसली जो सामंत होगा वो इस पर डोमिनेट कर जाएगा। तो यही डोमिनेंस हमें पूरे हिस्ट्री में देखने को मिलता है जहां पर सामंत या फिर उसका जो नौकर रहेगा या फिर कोई भी रहेगा वो अल्टीमेटली अपने राजा को मार करके या फिर बेटा अपने पिता को मार करके अल्टीमेटली जो है वो एम्पायर संभाल लेता है, एम्परर बन जाता है, चाहे वो मौर्यन से हम लोग देखें या फिर हम लोग आगे जितनी भी डायनेस्टीज देखेंगे सब में यही पूरा सब खेल होने वाला है। समझ में आ गया सामंत का मतलब क्या होता है।
आगे अगर देखा जाए द फाउंडर ऑफ गुप्ता तो पता ही चल गया श्री गुप्त होते हैं. इसके बाद में हालांकि घटोत्कच गुप्त एंड ऑल दैट बहुत सारे बने थे, देखेंगे हम लोग अभी. द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ गुप्ताज, हालांकि इसके बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाल से आए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रयाग के एरिया से, या फिर कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी के ये लोग रहने वाले थे, यहीं से लोग निकल करके आए थे. हालांकि कुशंस के टाइम पे ये फ्यूड्स हुआ करते थे, लेकिन राइज इनकी यहीं से मानी जाती है. देवर थॉट टू बी ब्राह्मण्स, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये वैश्य भी थे. और इसमें अगर मैं बोलूं कि सर्वसम्मति क्या है, तो इसमें कंसेंसस है वैश्य होने का. ये माना जाता है कि गुप्ताज वर द वैश्यस. इनके टेरिटरी के बारे में देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरी इनकी टेरिटरी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया से ये कुशंस आए थे और इन कुशंस ने इस पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था. तो कब्जा करने में ऑब्वियसली ये जो एरिया है, यहां पर जो मैं अभी कलर कर रहा हूं, यहां पर रेड कलर से आप देख सकते हैं, जहां पर पहले ब्लू कलर था, ये एरिया पहले गुप्ताज के द्वारा राइज टेरिटरी आप बोल सकते हैं कि यहां से ये लोग निकल करके आए थे. और उसमें एक अर्ली गुप्ता पीरियड का जो रूलर था उसका नाम था चंद्रगुप्त, और वन ये बेसिकली यहां से स्टार्ट किया था अपना, जो भी कह लीजिए गुप्ता एम्पायर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था. इसके बाद में समुद्रगुप्त आता है और समुद्रगुप्त अपने कई सारे एरिया को कॉन्कर करके मिला लेता है. यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के भी कुछ पार्ट है. यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर द एरियाज, यहां पर ये बेसिकली कैप्चर किया गया है. इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त टू भी आ जाते हैं, इनका नाम विक्रमादित्य बोला जाता है. इन्होंने भी क्या किया, शकास पर अटैक करके शकास की भी टेरिटरी को अपने अंडर में, अपने गुप्ता एम्पायर में इंटीग्रेट कर लिया. अब जरा आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन करके डिस्कशन करना जरा शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे रूलर आते हैं वो आते हैं श्री गुप्ता, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है. अच्छा, इससे पहले जरा देख लेते हैं सोर्सेज के बारे में, आखिर वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें सोर्सेज मतलब की जानकारियां मिलती हैं. तो अगेन यहां पर दो तरीके के सोर्सेज रहेंगे. एक रहेगा जो आर्कियोलॉजिकल होगा, जहां से खुदाई में चीजें मिल रही होंगी, जैसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, ये बेसिकली मिलेगा. और दूसरा मिलेगा जो लिटररी सोर्सेज होंगे. तो इन दोनों सोर्सेज के बारे में हमने जरा वन बाय वन करके देखते हैं. सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हुए हैं. जैसे अगर बात किया जाए तो जैसे मंदसौर हो गया, बिलसाड़ हो गया, पूना ताम्रपत्र हो गया, भीतरी हो गया, जूनागढ़ हो गया, कहोम हो गया, तो कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं. उसमें से कुछ के नाम यहां पर देखिए, जैसे अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसे कि प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं. दिस इज प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति. इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था हरिशेण ने. दिस इज हरिशेण, हरिशेण ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति. और ये बेसिकली था समुद्रगुप्त तक जो भी वॉर लड़ा था, या कह लीजिए जो भी एरिया कॉन्कर किया था, उसके सब मतलब कह लीजिए कि जितने भी वॉर्स का जो भी कंसिक्वेंस निकला हुआ है, ऑब्वियसली समुद्रगुप्त जीता है, उन सारे के सारे डिस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है. दूसरा उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव और सांची इंस्क्रिप्शंस, ये दोनों चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम की है. यहां से हमें वैष्णव, वैष्णव सेक्ट के बारे में पता चलता है, या इसी को बोलते हैं भागवत सेक्ट, भागवत सेक्ट. ठीक है, वैष्णव धर्म भी आप इसको बोल सकते हैं. यहां से जैसे उदयगिरी केव हो गया, यहां से वराह अवतार की जो भी पिक्चर्स हैं वो हमें मिली हुई हैं. तो ये बेसिकली चंद्रगुप्त टू के टाइम की थी. इसके अलावा मेहरौली पिलर हो गया, यहां से चंद्रगुप्त टू के जो भी वॉर कंसिक्वेंसेज हैं उनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने बंगाल के एरिया में और शकास पे अटैक करके जीता हुआ था. इसके अलावा बिलसाड़, मंदसौर और दामोदरपुर, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि बेसिकली रिलेटेड विद द कुमार गुप्त है. इस बिलसर से हमें पता चलता है गुप्ता डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स आए हैं. जैसे एक छोटा सा तरीका बता सकता हूं, बिल, बिल में क्या होता है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो कोई सामान परचेज करते हैं तो बिल मिलता है आपको, तो उसमें क्या होता है, वन बाय वन करके चीजों की बारे में लिखा होता है कि आपने ये खरीदा वो खरीदा. ठीक है, तो वही अगेन यहां पर भी है, गुप्ता एम्पायर के जितने भी डायनेस्टी में जितने रूलर्स आए हैं उनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है. जो मंदसौर है, मंदसौर में आप ज्यादा कुछ खास नहीं है, यहां पर कुमार गुप्त के ही जो भी एम्पायर है उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके शासन के बारे में लिखा हुआ है. सिमिलरली दामोदरपुर कॉपर प्लेट में भी कुमार गुप्त के ही बारे में लिखा हुआ है. जूनागढ़ भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि स्कंद गुप्त का है, जहां पर
जूनागढ़ में लिखा हुआ है इनके मदर के बारे में, महादेवी अनंत गुप्त, और साथ ही साथ में शकास का जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। इसके बाद लिटरेरी सोर्सेस के बारे में अगर हम लोग देखें तो लिटरेरी सोर्सेस जो भी यहां पर कह लीजिए कि पोएट्स होंगे या जो भी राइटर्स होंगे वही लोग बेसिकली इस पूरे के पूरे एरिया में लिखे रहते हैं। जैसे एक हो गया जो नीति शास्त्र लिखी गई थी कामदक के द्वारा, कामंदक के द्वारा लिखी गई, जो कामंदक थे बेसिकली वो जो है कौटिल्य के स्टूडेंट थे, तो ये बेसिकली यहां से आपको जानकारी मिलती है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं, जैसे देवी चंद्र गुप्तम ये विशाख दत्त ने लिखी हुई है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम लिखा गया है। इसके अलावा मृक्ष कटिका हो गई जो शूद्रक ने लिखा हुआ है। इसके अलावा राजशेखर की काव्य मीमांसा हो गया, बाण भट्ट का हरिश्चरित्र हो गया, और सिमिलरली जो है वो भानुगुप्त का एक एरण इंस्क्रिप्शन है वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग अब डायनेस्टीज के बारे में देख लें और थोड़े थोड़े रूलर के बारे में अगर जानकारी देखी जाए तो सबसे पहले अर्ली गुप्तास के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दो रूलर आएंगे जिनका नाम रहेगा, एक तो श्रीगुप्त रहेंगे और दूसरे जो साहब है उनका नाम है घटोत्कच गुप्त। दिस इज घटोत्कच गुप्त। ये दोनों के दोनों जो रूलर हैं वो बेसिकली रूल नहीं किए थे, दे वर द फ्यूड्स अंडर, किसके अंडर में, कुशंस के अंडर में बेसिकली फ्यूड्स थे। तो आप बोल सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी को लेकर के तो आए हैं फाउंडर जरूर है, बट दे आर नॉट द रियल फाउंडर्स। जो रियल फाउंडर है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चंद्रगुप्त वन के बारे में निकल करके आएगा, वो इंपॉर्टेंट रूलर है उसके बारे में देखेंगे, बट यहां पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं। जो ओरिजिनल गुप्ताज थे देवर लाइट फ्रॉम द ईस्टर्न यूपी, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट अगेन इस पर अभी लोगों के बीच में एक विवाद है, लोगों के बीच में डिस्प्यूट है कि एग्जैक्टली वो कहां से थे। कुछ लोग बंगाल बोलते हैं, कुछ लोग जो है वो ईस्टर्न यूपी बोलते हैं। देवर सबॉर्डिनेट्स ऑफ कुशंस एंड ऑफकोर्स दिस इज कंटेस्टेड। श्रीगुप्त वॉज द फर्स्ट किंग फॉलोड बाई घटोत्कच, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है अगेन वो सबॉर्डिनेट्स ही थे, कुशंस के सबॉर्डिनेट थे। लेकिन उसके बाद से चंद्रगुप्त वन आते हैं और ये रियल एस्टैब्लिशर, रियल फाउंडर है, और इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को बेसिकली जो है वो स्थापित किया था, फाउंड किया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अच्छा, इससे पहले जितने भी थे श्रीगुप्त हो गए या फिर घटोत्कच गुप्त हो गए, इन लोगों ने जो टाइटल लिया था वो महाराज का था, महाराज का टाइटल। और महाराज बेसिकली सामंत को, फ्यूड्स को ही बोला जाता था उस समय, लेकिन चंद्रगुप्त वन ने महाराजा धीराज की टाइटल ली इसलिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट किंग हो गया था, मतलब ये कुशंस के अब सबॉर्डिनेट नहीं था, ये इंडिपेंडेंट हो गया था। एनलार्ज्ड हिज मगधन किंगडम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इस समय जैसे इनका जो एरिया था वो ईस्टर्न यूपी का था, इस ईस्टर्न यूपी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, लिच्छवियों के साथ में, लिच्छवीज के साथ में मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लिया, जैसा कि हम लोगों ने महाजनपद टाइम पे डिस्कस किया था जो कि बिंदिसार ने किया था। सिमिलरली यहां पर भी चंद्रगुप्त वन ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लिए जिससे कि एक इनका जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो गया था। इमेज ऑफ द किंग एंड क्वीन कुमारा देवी वॉज इनग्रेव्ड ऑन वन साइड ऑफ द क्वाइंस मेड ऑफ गोल्ड। तो इन्होंने जो भी क्वाइन बनवाया उस पर जो है वो अपनी और रानी की फोटो जो है वो क्वाइंस पे लिखवा दिया। इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड पे इन्होंने एक नया संवत चलाया, एक नया टाइम पीरियड चलाया जिसको कि हम लोग गुप्ता संवत बोलते हैं। अगर बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट किसको फॉलो करती है, इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है शक संवत को, हो ना 78 एडी जो है वो शक संवत को हम लोग फॉलो करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ईयरबुक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसकी जानकारी होगी। ड्यूरिंग हिज रेजिम किंगडम कवर्ड फ्रॉम द बिहार यूपी एंड बंगाल। देख सकते हैं आप ईस्टर्न वाला साइड है, ईस्टर्न साइड से ये इस तरीके से इनका एरिया हो जाता था। समझ में आ गया क्या कि इस केस है चंद्रगुप्त वन के बारे में। आगे अगर बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में आता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, दिस इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, और इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई भी वॉर हारा नहीं था, कोई भी युद्ध जो है ये हारा नहीं था। तो ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन एसेसेड टू द थ्रोन, ही अडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट विच कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गुप्ता अंपायर। तो ये बेसिकली क्या है कि अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने पे लगा हुआ था और इसके लिए इसने एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाई थी।
अभी हम लोग देखेंगे जो एग्रेसिव पॉलिसी थी वो बेसिकली पांच तरीके से निकल करके आई थी। एक जो था जिसे बोला था आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब हो गया कि जो नदन टेरिटरी है उस पर इसने कब्जा किया था। इस नदन टेरिटरी में कौन कौन से आ जाती हैं, जैसे पंजाब का एरिया आ गया, वेस्टर्न यूपी का एरिया आ गया, नदन एमपी का एरिया आ गया। तो ये बेसिकली छोटे छोटे यहां पर रूलर हुआ करते थे जिसको कि इसने हरा करके अपने टेरिटरी में कैप्चर कर लिया था। अब जैसे क्या है, कुशंस का टाइम था। कुशंस के टाइम पे शुरुआती दिनों में तो काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उसके बाद से कनिष्क के बाद से ये वीक हो गया और उसके बाद से छोटे छोटे जो रूलर थे वो निकल करके सामने आ गए थे और अगेन वही ट्राइबल फॉर्मेट में ये लोग अपना कब्जा करके अपना रहना शुरू कर दिए थे। लेकिन उस समय जो स्ट्रांग रूलर आया जिसका नाम समुद्रगुप्त था, इसने क्या किया कि सारी टेरिटरी को ये जीतना शुरू कर दिया था। जहां पर मथुरा के पास में नागसेन एक डायनेस्टी थी जो कि ग्वालियर में भी फैली हुई थी। तो इस जैसे आप ग्वालियर के एरिया में देखेंगे, मथुरा से होकर के ही ग्वालियर जाया जाता है, तो मथुरा से आगे ये ग्वालियर डायनेस्टी थी जिसको भी अटैक करके इसने भी जो है वो टेरिटरी एक्सपैंड कर लिया था। हालांकि बाद में जो इनका लड़का रहता है चंद्रगुप्त टू, दिस इज चंद्रगुप्त टू जिसको विक्रमादित्य भी हम लोग बोलते हैं, इसने नागसेन की ही जो डॉटर रहती है कुबेर नागा उनके साथ शादी कर लेता और इस तरीके से मैट्रिमोनियल रिलेशंस में बदल जाते हैं। लेकिन फिलहाल समुद्रगुप्त ने इनको हराया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद साउथ की विजय होती है। तो साउथ में जब ये टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो साउथ में भी 12 रूलर्स आते हैं। सिमिलरली नॉर्थ इंडिया में भी ये 12 स्टेट्स को जीते रहते हैं। हालांकि इनका जो स्टेट कॉन्क्वेस्ट है ये टू फेजेस में जाता है। फर्स्ट फेज में 3 राज्य को जीतते हैं और सेकेंड फेज में 9 और राज्यों को ये जीत लेते हैं। साउथ में अगर बात करें तो साउथ में भी 12 राज्यों को इन्होंने जीता हुआ था। हालांकि जो है इस समय इनका कंटेम्प्ररी, इनके समकालीन कंटेम्प्ररी जो थे वो वकाटक डायनेस्टी के रुद्रसेन थे, रुद्रसेन वन, और इनके साथ समुद्रगुप्त के अच्छे रिलेशंस थे और इसी कारण से समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति पे जो हरिशेर ने लिखा हुआ है सबके बारे में मिलता है लेकिन वकाटक डायनेस्टी के बारे में नहीं मिलता है। इसीलिए क्योंकि इनके साथ में फ्रेंडली रिलेशंस था और इनके स्टेट को इन्होंने छोड़ दिया था और बाकी पूरा एरिया कब्जे में कर लिया था, कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। समझ में आया क्या केस है? तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि वकाटक डायनेस्टी एक्चुअली इनके कंटेम्प्ररी है। जब गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज होकर आ रही थी उसी तरीके से वकाटक डायनेस्टी भी जो है वो इमर्ज होकर के आ रही थी। इन्होंने यहां की जो पॉलिसी थी उसकी पॉलिसी का नाम रखा था ग्रहण मोक्षा। ग्रहण मोक्ष का मतलब ये कि इन्होंने टेरिटरी को कैप्चर तो जरूर किया था लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया था। हालांकि अपने लीडरशिप में ही रखा, अपने अंडर में ही रखा, लेकिन वो सबऑर्डिनेट बना करके छोड़ दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद से तीसरी जो कॉन्क्वेस्ट है इनकी और ये है फ्रंटियर किंगडम्स की। फ्रंटियर किंगडम का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जैसे असम का एरिया उस समय बोला जाता था कामरूप। नाम याद रखिएगा, कामरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया उसको समतट बोला जाता है, एंड रिपब्लिक्स लाइक युद्धेजाज जो हरियाणा है, माल्याज जो कि बेसिकली राजस्थान का एरिया है, एंड दे पेड ट्रिब्यूट एंड पेड होमेज। तो इस तरीके से बेसिकली इसके एरिया को कैप्चर कर लिया था। इनफैक्ट यहाँ पर एक और एरिया आता है जो पंजाब का करतारपुर का रीजन है जो आज की डेट में पाकिस्तान में चला गया है। तो करतारपुर को उस समय करतीपुर बोला जाता था, दिस इज करतीपुर, और इसको भी कैप्चर किया था। इसके अलावा नेपाल को भी इन्होंने कैप्चर किया था। इसके अलावा फॉरेस्ट रीजन का मतलब बोला जाता था आटविक, दिस इज आटविक स्टेट्स, इसको भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। यह आटविक स्टेट्स बेसिकली यूपी के फॉरेस्ट एरिया और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट एरिया के बीच का जो भी एरिया था उसको बोला जाता था। तो ये बेसिकली फॉरेस्टेड जोन था, इसको भी कैप्चर किया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। सम ऑफ द स्टेट सेल्फ सरेंडर्ड टू हिम, जैसे जो भी आसपास की टेरिटरी के लोग थे जैसे कुशंस हो गए जो कि अफगानिस्तान में वापस से चले जा चुके हैं और वीक हो चुके हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त के ही लीडरशिप में मतलब कह लीजिए कि सेल्फ सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा रूलर्स ऑफ द श्रीलंका, इन्होंने भी सेल्फ सरेंडर कर दिया था। और इनफैक्ट साउथ ईस्ट के भी जितने भी स्टेट थे, छोटे मोटे राज्य थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त के लिए, क्योंकि इसे
अगेन वही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था ये और वॉरियर तो था ही। इसके बाद इनका लड़का आता है चंद्रगुप्त टू जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इनका विक्रमादित्य नाम है। इसके अलावा अच्छा एक और चीज इनके जरा टाइटल देख लीजिए समुद्रगुप्त के, एक तो नेपोलियन बोला जाता है, इसके अलावा इनको बोला जाता है पराक्रम, इसके अलावा पराक्रम के अलावा पराक्रमांक भी बोल दिया जाता है। मतलब पराक्रम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है। इसके अलावा एक बोला था अप्रतिरथा, ठीक है अप्रतिरथा, ये जरा टाइटल याद रखिएगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो है इनका टाइटल था और अगेन ये विक्रम मतलब कि वॉरियर के नाम से ही थे, इस वजह से विक्रमादित्य टाइटल दिया गया था। इसके अलावा इनका एक और टाइटल था जिसे बोला जाता है परम भागवत, दिस इज परम भागवत, वैष्णव होते थे ये परम भागवत, और ये बेसिकली वैष्णव धर्म को अपनाए थे इसी वजह से ऐसा इनका परम भागवत नाम दिया गया था। इसके अलावा और भी कई सारे टाइटल्स हैं जैसे देव गुप्त हो गया, देवश्री हो गया, मतलब देव रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब चंद्रगुप्त टू से ही रिलेटेड हैं। इन्होंने दो तरीके से स्टेट को अपने एक्सपेंड किया था, पहला कॉन्क्वेस्ट मतलब की वॉर लड़के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, दूसरा मैरिटल रिलेशंस के थ्रू, मैट्रिमोनियल रिलेशंस के थ्रू। तो इन दोनों तरीके से इन्होंने अपना टेरिटरी जो है वो गुजरात तक एक्सपेंड कर लिया था, मतलब कि जो शकास थे उनको भी हरा करके उस एरिया को भी गुप्ता पीरियड ने मतलब गुप्ता ने यानी कि चंद्रगुप्त टू ने अपने अंदर में अपने टेरिटरी के अंदर में मिला लिया था। तो सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड डिफीटेड शकास एंड हु कैप्चर्ड ध्रुव देवी वाइफ ऑफ ब्रदर, He later married her by killing his brother Ramgupta. अब यहां पर पढ़ करके आपको थोड़ा कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। देखिए यहां पर केस ये था कि समुद्रगुप्त के बाद जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के एक्चुअली दो लड़के थे, एक लड़का था जिसका नाम था दिस रामगुप्त, दिस इज रामगुप्त, ठीक है, और दूसरा लड़का था जो चंद्रगुप्त टू था। रामगुप्त जो रामगुप्त था वो चंद्रगुप्त टू से बड़ा था लेकिन ये बहुत ही वीक रूलर था। इसकी जो शादी हुई थी वो ध्रुव देवी के साथ में हुई थी और हुआ क्या कि जो शकास थे वो बेसिकली अटैक किए थे इनके टाइम पे। शकास जो है क्योंकि वीक रूलर है तो ऑब्वियस ही बात है अटैक करेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ऑलरेडी मतलब इनपे एक अच्छा खासा दबाव बना करके रखा हुआ था, हालांकि इसको अटैक नहीं किया था बट एक दबाव बनाया गया था। तो शकास ने इस रूलर के ऊपर में अटैक किया था, रामगुप्त वीक था, इसने क्या किया था, इसने ये सोचा कि चलो ठीक है शका रूलर जब आएंगे तो जो भी इसका वॉरियर होगा उसके साथ में हम अपनी वाइफ का ट्रेड कर लेंगे और इस तरीके से हम अपनी टेरिटरी को बचा लेंगे और एक रिलेशन भी बना लेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त टू को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि भाई एक तो पहली बात तो गलत काम कर रहे हैं, दूसरी चीज एक तो ट्रेडिंग कर रहे हैं गलत चीज, दूसरी जो फैमिली लीनियज है उसको ये खराब कर देंगे हमारी, मतलब ये एक तरीके से ह्यूमिलिएट करा देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त टू बेसिकली क्या करते हैं कि पहली बात शकास के साथ में जैसे ही अटैक करते हैं तो ये वापस रिपल्जन मतलब कि वापस अटैक करते हैं और शकास को हरा करके इनको वापस भगा देते हैं। लेकिन अभी तो फैमिली के बीच में रिलेशन जो होती है वो गड़बड़ ही होगी, तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को भी मार दिया, किल कर दिया और अल्टीमेटली जो ध्रुव देवी थी इनके साथ में इनकी मैरिज हो गई। तो इस तरीके से यहां पर शादी हुई थी। अगर आप देखेंगे अब जब कहानी तो आपको एक लगेगा कि हाँ इन्होंने जो शादी की वो सही की, सही तरीके से की। हालांकि जो होता है ध्रुव देवी के मतलब इनके जो चाइल्ड होते हैं जो सन होते हैं उनका नाम रहता है कुमार गुप्त और यही अगला रूलर बनते हैं, दिस इज कुमार गुप्त वन। हालांकि जो है चंद्रगुप्त टू ने दो शादियां की थी, एक तो आपको पता ही चल गया ध्रुव देवी से और दूसरा जो शादी की थी वो किया हुआ था जो अभी हम लोगों ने देखा था नाग डायनेस्टी थी ना जो मथुरा और ग्वालियर के बीच में, यहां पर इनकी जो राजकुमारी थी इनकी जो कह लीजिए कि जो भी प्रिंसेस थी उनके उनका नाम था कुबेर नागा, कुबेर नागा के साथ में इनकी शादी हुई थी और कुबेर नागा से जो डॉटर हुई थी जो इनकी बेटी हुई थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त, दिस इज प्रभावती गुप्त। और यही प्रभावती गुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वाकाटक के साथ में इनकी शादी हो गई थी और अल्टीमेटली ये दोनों वाकाटक और चंद्रगुप्त ये दोनों मैरिटल रिलेशंस में एक तरीके से आ गए थे, एक तरीके से फैमिली इन्होंने एक्सपेंड कर दी थी। अब देखिए
इनके जो फादर थे उनका नाम समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के साथ में भकाटक के अच्छे खासे रिलेशंस थे ही और वो फ्रेंडली रिलेशंस थे, इन्होंने क्या कर दिया इसको फैमिली रिलेशन में चेंज कर दिया बाय मैरिंग हिज डॉटर विद द जो वकाटक डायनेस्टी का जो रूलर था उसके साथ में इस तरीके से इनकी शादी हो गई थी। समझ में आ गया क्या केस है? ही रूल्ड फ्रॉम उज्जैन, सीधी सी बात है। इसके अलावा ही ब्रॉट एन एंड टू शका क्षत्रप रूल, तो क्षत्रप रूल आपको पता ही है कि यहां पर क्षत्रप रूल चल रहा था। अब देखिए चंद्रगुप्त के टाइम पर जब इन्होंने वकाटक डायनेस्टी वाले के साथ में शादी करा दिया था तो शका के साथ मिल करके, मतलब कि वकाटक डायनेस्टी के साथ मिल करके चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था एंड एडेड द रीजन ऑफ गुजरात काठियावाड़ एंड वेस्ट मालवा टू द अंपायर। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन एंड सांची इंस्क्रिप्शन इसके डिटेल के बारे में बताता है और बताता है यहां पर कि वकाटकों के साथ मिल करके इन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा वॉर लड़ा था। He had matrimonial relations with Vakatak of Vidarbh and Naga of Gwalior। दोनों के बारे में देख लिया, नागा के साथ में इनकी शादी हुई थी, कुबेर नागा के साथ में, और वकाटक के साथ में इन्होंने अपनी डॉटर की शादी कराई हुई थी। इनका जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो अगेन मेहरौली इंस्क्रिप्शन से मिलता है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है दिल्ली इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार। यहीं पीछे जो होती है, अगर जाएंगे आप कुतुब मीनार से पीछे तो वहीं पर आपको मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन भी आपको दिखेगा। हालांकि ये जो है वो अलाउद्दीन के टाइम का भी है, बात करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त टू, दिस इंस्क्रिप्शन सेज ही क्रॉस्ड सप्त सिंधु एंड डिफीटेड वलिकाज ऑफ बैक्ट्रिया। इसके अलावा इन्होंने बंग के जो रूलर्स थे उनको भी हराया था। तो इन दोनों का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था बेसिकली वो मेहरौली में लिखा हुआ है। इसके अलावा चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पर ही फहयान इंडिया आया था और बेसिकली वो इंडिया देखने आया था कि किस तरीके से क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये फहयान देखिए आया कैसे था, इसने सबसे पहले ये आता है कहां पर, दिस इज गोमती विहार। पहले ये गोमती विहार में आता है, गोमती विहार से फिर ये जाता है तक्षशिला। तक्षशिला मतलब वही टॉप पे गांधार के एरिया में, फिर चला जाता है पेशावर। पेशावर के बाद ये जाता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद फिर आता है इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में ये एंटर करता है, गुजरात के एरिया से आप बात कर सकते हैं या फिर राजस्थान के एरिया से ये एंटर करता है। फिर फायान जब देखता है इंडियन, मतलब कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के पूरे एम्पायर को, तो कहता है कि ये जो सोसाइटी इन्होंने बना के रखी है वो काफी ज्यादा एक ऐसी सोसाइटी है जो बेसिकली डायमंड के तरीके से, मतलब इन्होंने इसकी जो कंपैरिजन है वो हीरे के साथ में की थी और वो हीरे के साथ में इसीलिए की गई थी क्योंकि अगेन काफी एक सभ्य सोसाइटी थी। और कहा जाता है ना, जैसे हम लोगों के टाइम पे हम लोग भी कहते थे कि कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा था तो हम लोग बोलते हैं चीता है भाई ये लड़का, तो सेम वही काम वो बोलता था कि ये भाई हीरा है, तो हीरा के जैसे जो है कंपेयर किया गया था। तो ये बेसिकली बताते हैं कि इनके टाइम पे जैसे जो भी बूचर हाउस है या फिर जितने भी गलत काम होते हैं वो सब नहीं हुआ करते थे, जो भी डेथ पेनाल्टी होती थी वो नहीं दी जाती थी, केवल राइट हैंड जो है वो कट कर दिया जाता था। अगर बहुत ही ज्यादा बुरा काम किया गया है तो कोई भी जैसे लहसुन हो गया या फिर नॉनवेज हो गया ये नहीं खाता था, बर्ड्स हो गए, पिग्स हो गए, इनको जो है वो उनको ना तो स्टोर किया जाता था ना उनकी बूचरिंग की जाती थी। तो बेसिकली काफी ज्यादा एक कह लीजिए ब्राह्मणिज्म सोसाइटी इन्होंने बना करके रखी हुई थी और ऐसा फहयान बोलते हैं। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट रूलर जिनका नाम है कुमार गुप्त वन और इनका जो टाइटल है वो महेंद्र गुप्त है। अगेन महेंद्र से रिलेटेड कुछ भी आएगा, महेंद्र गुप्त हो गए, महेंद्र श्री हो गए, ये सब के सब टाइटल जो है वो कुमार गुप्त के ही हैं। इनके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके टाइम पे इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लिखे गए, बहुत ज्यादा बनाए गए, टोटल 18 इंस्क्रिप्शन जो है वो बनाए गए हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बिलसौर का हो गया या फिर जो है मंदसौर का हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो कि कुमार गुप्त के टाइम पीरियड के हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वैष्णविज्म के तरफ जो है काफी ज्यादा फ्लोरिस्ट नहीं थे, ये शैवाइट के तरफ थे। शैवाइट्स का मतलब हो गया ये कह लीजिए कि जो है वो कार्तिकेय टाइप के, कार्तिकेय साइड के जो कॉइन्स निकाले हुए थे, मयूर टाइप के कॉइन्स निकाले हुए थे। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये जो है वो शैवाइट थे, शैव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म के ही फॉलोअर थे। सन ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड यहां पर जो है फैजाबाद कर्मदंडा इंस्क्रिप्शन इनग्रेव बाय हिज मिनिस्टर मेंशन हिज फेम
हैविंग स्प्रेड टू फोर ओशियंस। अब जरा देखिएगा यहां पर, जरा एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसे ये जो कर्मदंडा है जो फैजाबाद यूपी के पास में है, यहां से एक शिवलिंग मिली हुई है, दिस इज शिवलिंग, और ये शिवलिंग जो है वो फोर फेज्ड है, फोर फेज्ड। फोर फेज्ड का मतलब जैसे चतुर्मुखी बोला जाता है ना, वही चतुर्मुखी है, फोर साइडेड इनके फेसेस हैं, तो फोर फेज्ड ये शिवलिंग है जो कि फैजाबाद के कर्मदंडा से मिला हुआ है। बिल्साड इंस्क्रिप्शन, ये जो है वो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है इस पीरियड का, जहां से हमें पूरी की पूरी गुप्ता डायनेस्टी के जो भी रूलर्स हुए हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा मंदसौर इंस्क्रिप्शन भी है जो कुमार गुप्त के बारे में पता चलता है, एज द रीनिंग ओवर द होल अर्थ। इसके अलावा जो है दामोदरपुर कॉपर प्लेट भी इंस्क्रिप्शन मिलती है, जहां पर इनके महाराजा धीराज के बारे में पता चलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया हुआ था, दिस इज अश्वमेध सेक्रीफाइस। हालांकि इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में दो ही लोगों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वन वॉज द कुमार गुप्त वन एंड सेकेंड इज समुद्रगुप्त। इन दोनों लोगों ने ही जो है वो अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाया हुआ था, और इसी वजह से इनका नाम जो है महाराजाधिराज आप देख सकते हैं। He contributed the cordial relations with the Vakatakas, again जो marital relation चल रही है उनके साथ में एक बनी हुई है, क्योंकि इन्हीं की शादी ultimately, हालांकि इनकी नहीं, इनकी जो sister थी उनकी शादी जो है वो करवाई गई थी Vakatak के साथ में। He founded Nalanda University, हालांकि Nalanda University को बाद में जब मोहम्मद गौरी आता है वो इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को खत्म कर देता है, बात करेंगे हम लोग जब medieval period के बारे में बात करेंगे तो। हालांकि उसने खुद नहीं डिस्टर्ब किया था, उसने अपने एक कह लीजिए चेले को बोला था कि जाओ और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके आओ, तो इस तरीके से जो है वो रहता है और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो आते हैं स्कंद गुप्त, इनका जो टाइटल है वो शक्रादित्य या फिर देव राय है, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा। स्कंद गुप्त जो है अगेन एक काफी पावरफुल रूलर रहता है, वॉरियर रहता है, ही वॉज द सन ऑफ कुमार गुप्त वन, परहैप्स द लास्ट पावरफुल गुप्तन किंग, क्योंकि इसके बाद से डिवीजन हो गया था, बात करेंगे अभी क्या हुआ था। एम्पायर फेस्ड हर्डल्स फ्रॉम हुंस एंड पुष्यमित्र, दिस इज नॉट पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र जो है वो डिफरेंट है, अलग है, ये एक्चुअली छोटी सी ट्राइब थी जो पुष्यमित्र थी, और इनका और हुणों का, इन दोनों लोगों का अटैक जो है वो इस पीरियड में होना शुरू हो गया था। However, he was successful in throwing Huns back. अब ये Huns आए कहां से थे देख लेते हैं। अच्छा, इसको जरा एक मिनट ब्रेक देते हैं, पहले Huns के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इनके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं जरा। इसके बाद देखिए जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है स्कंदगुप्त के ही बारे में, और इन्होंने कई सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो पता चलता है कि इन्होंने हुणों को भगाया था, मतलब जो स्कंदगुप्त थे, ही थ्रोन बैक Huns इन द वेस्टर्न टेरिटरी। दूसरा जूनागढ़ से हमें मिलता है जो इनके शैवाइट धर्म के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहां से हमें वराह अवतार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तीसरी चीज, इन्होंने रिपेयर ऑफ द सुदर्शन ले करवाया था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया हुआ था, तो ये भी अगेन जो है रिपेयर वर्क देखने को हमें मिल जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो सबके बारे में, जूनागढ़ के बारे में तीन चीजें मैंने बताई, तीनों याद रखिएगा। भीतरी इंस्क्रिप्शन के बारे में यहां पर देख लीजिए कि ये भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है वो अगेन क्रोनोलॉजी के बारे में यहां पर बता रहा है, दिस इज भीतरी एंड इस कॉन्फ्लिक्ट विद द पुष्यमित्राज एंड द हुंस। अच्छा, यहां पर जरा हुंस के बारे में भी देख लीजिए कि हुंस ने अटैक किस तरीके से किया हुआ है। हुंस जो थे वो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये कजाकिस्तान के एरिया के थे, कजाकिस्तान या फिर बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल एशिया के ये लोग थे, और ये बेसिकली तीन अटैक किए हैं। तीन अटैक में पहला जो अटैक किया गया था वो किया गया था खुशनवाज के द्वारा, दिस इज खुशनवाज के द्वारा। खुशनवाज के टाइम पे जो हुआ था तो वो स्कंदगुप्त का टाइम था, दिस इज स्कंदगुप्त का टाइम, और ऑब्वियसली इनको मार के वापस भगा दिया गया था, तो इस तरीके से ये वापस चले गए थे। दूसरा जो अटैक हुआ था हुंस का वो था तोरमाड़ के टाइम पर, दिस इज तोरमाड़ के टाइम पर, और ये चंद्रभागा रिवर को क्रॉस करके फिर अल्टीमेटली जो है एक छोटा सा सिटी बसाया हुआ था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट इज व्हाई वी आर स्किपिंग इट, लेकिन ये मालवा तक आ गया था, ये ध्यान में रखिएगा कि ये मालवा तक आ गया था। तीसरा जो अटैक होता है वो होता है मिहिर कुल के टाइम पर, दिस इज मिहिर कुल के टाइम पर। मिहिर कुल जो है वो हुंस रहता है और अगेन जो है ये अटैक करता है, ये अटैक करता है तो लेटर गुप्ता पीरियड चलता है, लेटर गुप्ता पीरियड, और इस लेटर गुप्ता पीरियड में दो रूलर हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक है
नरसिंह गुप्त, दिस इज नरसिंह गुप्त बालादित्य, बालादित्य इनके टाइम पर अटैक हुआ था। हालांकि ये जो है वो हारे तो नहीं थे, लेकिन बस ये है कि जीतते जीतते बस रह गए थे कि लास्ट मोमेंट पे केवल ये जीत पाए थे और अल्टीमेटली मिहिरकुल को वापस भगा दिए गए थे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं भानुगुप्त, और ये जो भानुगुप्त रहते हैं ये अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे हूण डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं। उसके पीछे भी अगेन एक स्टोरी, अभी हम लोग बात करेंगे क्या स्टोरी है। अब देखिए इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो लेटर गुप्ताज आते हैं, लेटर गुप्ताज, लेकिन ये जो है वो वीक होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानना अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके बाद जो रूलर्स आते हैं उनमें से सबसे पहला जो रूलर है उनका नाम है पुरु गुप्त, दिस इज पुरु गुप्त। इनके बारे में लिखा नहीं हुआ है इसलिए आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पुरु गुप्त के बारे में जरा समझ लीजिए कि जो कुमार गुप्त वन था, मतलब कि स्कंद गुप्त के पिताजी, तो कुमार गुप्त वन और इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम अनंत देवी था, दिस इज अनंत देवी, इन दोनों के जो सन थे वो बेसिकली स्कंद गुप्त था, स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त ने एक और शादी की हुई थी और उनसे जो सन हुए थे, उनसे जो लड़का था उनका नाम था पुरु गुप्त। तो एक तरीके से बोल सकते हैं दोनों के दोनों जो है ब्रदर, स्टेप ब्रदर आप बोल सकते हैं। तो जब स्कंद गुप्त राजा बना तो अपने लास्ट टाइम तक था, उस समय तक पुरु गुप्त ऑब्वियसली बूढ़ा हो गया होगा। तो जब ये स्कंद गुप्त भाई साहब निपट लेते हैं तो फिर अल्टीमेटली पुरु गुप्त जो है वो राजा बनते हैं, लेकिन अपने ओल्ड एज में राजा बनते हैं। पुरु गुप्त के बाद में पुरु गुप्त के ही डायनेस्टी के लोग आ जाते हैं और ये कुमार गुप्त टू फिर राजा बनते हैं, दिस इज कुमार गुप्त टू। नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बस एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन इसी से रिलेटेड है, सारनाथ इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त टू के बारे में बताता है। तीसरे जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है बुद्ध गुप्त, दिस इज बुद्ध गुप्त। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इनके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो अगेन नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य, और ये वही है जिनके टाइम पर क्या हुआ था, हूणों का अटैक हुआ था, दिस इज हुन्स अटैक, हूण का अटैक हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम रहता है भानुगुप्त, भानुगुप्त। अब देखिए हूण का अटैक हुआ है, इनको वापस भेजा गया है, मारा नहीं गया तो ऑब्वियसली फिर से अटैक करेंगे। तो अब जो हुन्स का अटैक होता है तो भानुगुप्त खुद नहीं जाते हैं, इनका जो फ्रेंड रहता है गोपराज नाम रहता है उसका, गोपराज, हालांकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है केवल कहानी सुन लीजिएगा, गोपराज रहता है, ये जाता है हुन के साथ में अटैक, मतलब कि उनको जो है वो रोकता है, लेकिन हुन जो है वो गोपराज को मार देते हैं, मार देते हैं। तो गोपराज की जो वाइफ रहती है वो फिर जाकर के सती हो जाती है, और इस तरीके से जो भानुगुप्त रहता है वो खतरनाक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हुन्स का अब हम खत्म कर देंगे, इनका पूरा का पूरा डायनेस्टी ही समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके से हुन्स भानुगुप्त जो है वो बेसिकली अटैक करते हैं और हुन्स का सब कुछ खत्म कर देते हैं, और इस तरीके से हुन का जो अटैक है वो खत्म हो जाता है। सिक्स नंबर पे जो रूलर आते हैं उसका नाम रहता है वन्यगुप्त, दिस इज वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के बाद नेक्स्ट रूलर जो आते हैं उनका नाम है, दिस इज अगेन कुमार गुप्त थ्री, नॉट एज सच इंपॉर्टेंट अगेन। और लास्ट रूलर जो होते हैं उनका नाम है, दिस इज विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त के बाद में पूरा का पूरा जो गुप्ता डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये पूरा गुप्ता डायनेस्टी जैसे सातवाहन डायनेस्टी पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था, वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी भी डिसइंटीग्रेट हो गया था, कई सारे छोटे छोटे कह लीजिए कि जो है टेरिटरी जो है वो इंडिपेंडेंट हुए थे और अलग अलग रूलर आ गए थे, जिसको कि हम लोग अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे परमार हो गए, मालवा के हो गए, इसी तरीके से और भी बहुत सारी डायनेस्टीज हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाकी अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन और ऑल दैट चीजों के बारे में बात करें अगर, तो हम लोग इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, इनके पॉलिटिकल रिलेशंस, इनकी सोसाइटी, रिलीजन एंड लिटरेचर रिलेटेड और आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगेन इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।